জয় হরি বল জয় হরি বল শ্রী শ্রী হরিচন্দ ঠাকুরের দুশো এগারো তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে সকল পুণ্যার্থী সাধু গোসাই पागोल दोलोपाथी और मातुआ मैदेर, जानाई आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदनों नमस्कार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरे सहयोगी और ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के संघाधिपति श्री शांतनु ठाकुर जी श्री मंजुल कृष्ण ठाकुर जी श्रीमती छवि रानी ठाकुर जी श्री सुब्रता ठाकुर जी श्री, श्री रविंद्रनाथ विश्वास जी अन्य महानुभाव और भारी संख्या में मौजूद मेरे प्यारे बहनों और भाइयों ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष और आकांदी में श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी और महान मतुआ परंपरा को श्रद्धापूर्वक नमन करने का अवसर मिला था आज ठाकुरवाड़ी जैसे महातीर्थ पर आप सभी साथियों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से संवाद का अवसर मिला है आप सबके दर्शन का अवसर मिला है जब मैं और कांदी गया था तो वहां मुझे बहुत अपनापन मिला बहुत आशीर्वाद मिला और ठाकुरवाड़ी ने तो हमेशा मुझे अपनापन दिया बहुत स्नेह दिया है साथियों ये मतुआ धर्मियों महामेला मतुआ परंपरा को नमन करने का अवसर है ये उन मूल्यों के प्रति आस्था व्यक्त करने का अवसर है जिनकी नींव श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने रखी थी हमें इसे गुरुचंद ठाकुर जी के और बोरोमा ने सशक्त किया और आज शांतनु जी के सहयोग से ये परंपरा इस समय और समृद्ध हो रही है एकजुटता भारतीयता अपनी आस्था के प्रति समर्पण रखते हुए आधुनिकता को अपनाना ये सिख हमें महान मतुआ परंपरा में और उस परंपरा से मिली है आज जब हम स्वार्थों के लिए खून खराबा होते देख रहे हैं जब समाज में बंटवारे की कोशिश होती है जब भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेद करने की प्रवृत्ति को देखते हैं तो श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी का जीवन उनका दर्शन और महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए ये मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल्यों को भी सशक्त करने वाला है भाइयों और बहनों हम अक्सर कहते हैं कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता महान है ये महान इसलिए हैं क्योंकि इसमें निरंतरता है ये प्रवाहमान है इसमें खुद को सशक्त करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है ये एक नदी की तरह है जो अपना रास्ता बनाती जाती है और रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं उनके अनुसार खुद को ढाल लेती है इस महानता का श्रेय हरिचंद ठाकुर जी जैसे सुधारकों को भी जाता है जिन्होंने समाज सुधार के प्रवाह को कभी रुकने नहीं दिया श्री श्री हरिचंद ठाकुर के संदेशों को जो भी समझता है जो हरी लला अमृतों का पाठ करता है वो स्वतः ही कह उड़ता है कि उन्होंने सदियों को पहले ही देख लिया था वरना आज जिस जेंडर सिस्टम की बात दुनिया करती है उसको 18वीं सदी में ही हरिचंद ठाकुर जी ने अपना मिशन बना लिया था उन्होंने बेटियों की शिक्षा से लेकर काम तक के अधिकारों के लिए आवाज उठाई माताओं बहनों बेटियों की गरिमा को सामाजिक चिंतन में आगे लाने का प्रयास किया उस कालखंड में उन्होंने महिला कोर्ट और बेटियों के लिए स्कूल जैसे कार्य किए ये दिखाता है कि उनका विजन क्या था उनका मिशन क्या था भाई और बहनों आज जब भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को सफल बनाता है जब माताओं बहनों बेटियों के स्वच्छता स्वास्थ्य और स्वाभिमान को सम्मान देता है जब स्कूलों कॉलेजों में बेटियों को अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते अनुभव करता है जब समाज के हर क्षेत्र में हमारी बहनों बेटियों को बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते देखता है तब लगता है कि हम सही मायने में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी जैसी महान विभूतियों का सम्मान कर रहे हैं जब सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाती है जब सबका प्रयास राष्ट्र के विकास की शक्ति बनता है तब हम सर्व समावेशी समाज के निर्माण की तरफ बढ़ते हैं साथियों भारत के विकास में मतुआ समाज की भागीदारी बहुत अहम है इसलिए केंद्र सरकार की हर संभव कोशिश है कि समाज से जुड़े हर परिवार का जीवन आसान हो केंद्र सरकार की हर जन कल्याणकारी योजनाएं तेज गति से मतुआ परिवारों तक पहुंचे इसके लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहित किया जा रहा है पक्का घर हो नल से जल हो मुफ्त राशन हो साठ वर्ष के बाद पेंशन हो लाखों रुपये का बीमा हो ऐसी हर योजनाओं के दायरे में शत प्रतिशत मतुआ परिवार आए इसके लिए हमारे प्रयास जारी है साथियों श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने एक और संदेश दिया है जो आजादी के अमृत काल में भारत के हर भारतवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है उन्होंने ईश्वरीय प्रेम के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी हमें बोध कराया परिवार के प्रति समाज के प्रति अपने दायित्वों को कैसे निभाना है इस पर उन्होंने विशेष बल दिया कर्तव्यों की इसी भावना को हमें राष्ट्र के विकास का भी आधार बनाना है हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है उन अधिकारों को हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे इसलिए आज मैं मतुआ समाज के सभी साथियों से भी कुछ आग्रह करना चाहूंगा सिस्टम से करप्शन को मिटाने के लिए समाज के स्तर पर हम सबको जागरूकता को और अधिक बढ़ाना है अगर कहीं भी किसी का उत्पीड़न हो रहा हो तो वहां जरूर आवाज उठाएं ये हमारा समाज के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण अगर किसी को हिंसा से डरा धमका कर कोई रोकता है तो वो दूसरों के अधिकारों का हनन है इसलिए ये भी हमारा कर्तव्य है कि हिंसा अराजकता की मानसिकता अगर समाज में कहीं भी है तो उसका विरोध किया जाए स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर अपने कर्तव्य को भी हमें हमेशा याद रखना है गंदगी को हमें अपने घर अपनी गली से दूर रखना है इसे अपने संस्कारों में हमें लाना है वोकल फॉर लोकल इसको भी हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है पश्चिम बंगाल के भारत के श्रमिकों का किसानों का मजदूरों का पसीना जिस सामान में लगा हो उसको जरूर खरीदें और सबसे बड़ा कर्तव्य है राष्ट्र प्रथम की नीति राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है हमारा हर काम राष्ट्र को पहले रखते हुए होना चाहिए कोई भी कदम उठाने से पहले हम ये जरूर सोचें कि उससे राष्ट्र का भला जरूर हो साथियों मतुआ समाज अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहा है मुझे विश्वास है कि आजादी के अमृत काल में एक नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद